मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा। गुड इवनिंग। और अभी शाम के बज रहे हैं 7:10 और मैं रेडी हो चुकी हूँ और जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ। उसने मुझे इनवाइट किया है गणेश चौथ की पूजा में, तो मैंने कभी गणेश चौथ की पूजा नहीं देखी थी, तो उसने मुझे इन्वाइट किया है आज देखने के लिए। तो देखती हूँ क्या क्या होता है वहाँ पर। चलिए चलते हैं आप लोगों को भी लेके। और आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी फ्रेंड्स को हैप्पी गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी का भी यहाँ पर पूजा हुआ है, तो आज नहीं जाना पाया, जब जाऊंगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि किस तरह से हुआ है मेरे शहर में गणेश चतुर्थी की पूजा। और आज तीज भी है, तो आप सबको हैप्पी तीज जो भी तीज करती हैं। बेंगलीज में तो तीज नहीं होता है, बट फिर भी मैंने मेहंदी लगाया है, रिया ने लगा दिया है मुझे तो, और ये साथ में भी लगाया है, मैं दिखाती हूँ आपको। और ये इस तरह से, तो मैंने मेहंदी लगाया है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मेहंदी लगाना और तीज पे सभी लेडीज़ लगाती हैं, तो मुझे मन कर रहा था तो रिया ने कल रात को लगा दिया है मुझे मेहंदी। तो चलिए चलते हैं गणेश चौथ की पूजा देखने के लिए। और ये है मेरी फ्रेंड का घर, और मैं जब पहुंची तब कथा स्टार्ट हो चुकी थी, तो मैंने भी कथा सुनी बट पूरी कथा नहीं सुन पाई, थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका था। और अब पूजा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, मैं थोड़ी देर बैठी थी, पूजा हो रही थी उस टाइम। और ये जो ऑरेंज साड़ी में है, ये हैं आंटी कंचन की मम्मी, और वो कंचन के पापा हैं जो प्रसाद ले रहे हैं। तो इस तरह से हो रही थी पूजा, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा अल्पना बना हुआ है, और इस तरह से सजा के होती है गणेश चौथ की पूजा। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह की पूजा अटेंड कर रही हूँ, गणेश चौथ की पूजा मैंने सुना था बट कभी देखा नहीं था, आज देखा, बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से हो रही थी पूजा। और ये रेड साड़ी में है मेरी फ्रेंड कंचन, और ये पिंक साड़ी में है आंटी कंचन की मम्मी, और भी लेडीज़ आई हुई थी अगल बगल की पूजा देखने के लिए, तो सबसे मिलना हुआ और हम बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो खूब गपशप हो रही थी हम लोगों के बीच। और ये कंचन की बेटी है सौम्या, और वो सबको प्रसाद दे रही है क्योंकि पूजा अभी अभी ख़त्म हुई है और हम सब घर के अंदर आ गए हैं बैठने के लिए। जो कंचन का आगे का गार्डन है वहाँ हो रहा था पूजा। और ये मेरी फ्रेंड कंचन का बेटा है प्रणव, और ये मेरे ब्लॉग्स देखता है और इसको बहुत पसंद है। क्या पसंद है प्रणव बताओ? आप जो खाना बनाते हैं ना वो बहुत टेस्टी बनाते हैं, बिना चखे पता चल जाता है। प्रणव को मेरा खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, अच्छा किसी दिन बना के खिलाएंगे, ठीक है? ठीक है, आओगे ना मेरे घर? हाँ। रुके हो ना यहाँ नानी घर में? हाँ। अच्छा एक दिन आना तो हम कुछ बना के खिलाएंगे, ठीक है? ठीक है ना। प्रणव मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद करता है देखना, और इसको मैंने कहा है कि मेरे घर आएगा तो मैं इसको कुछ बना के खिलाऊंगी, ठीक है ना? ठीक है। और मैं आ चुकी हूँ अपनी फ्रेंड कंचन के घर से वापस अपने घर, और काफ़ी रात हो गई, रात 10 बज रहे हैं। हम लोगों की दोस्ती जो है वो हम स्कूल के टाइम से है, हम लोग स्कूल फ्रेंड हैं, तो बहुत मज़ा आया और बहुत देर तक गप करते करते लेट हो गया। तो अभी 10 बजे आई हूँ और अभी जा रही हूँ मैं अपना डिनर बनाने के लिए, तो पहले चेंज कर लूँ उसके बाद बनाऊँगी डिनर। और गणेश चौथ की जो पूजा होती है वो मैंने देखी, और मुझे पहले इसके बारे में नहीं मालूम था, तो बहुत अच्छा लगा। चांद को देखकर प्रणाम किया जाता है हाथ में फल लेकर, तो वो सब हम लोगों ने किया, तो बहुत अच्छा लगा, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला मुझे आज, क्योंकि मैंने पहले कभी इस तरह की गणेश चौथ की पूजा नहीं देखी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और तो जब मैं वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पूजा स्टार्ट हो चुकी थी, तो कथा हो रही थी वहाँ पे, तो मैंने भी कथा सुनी और बहुत मज़ा आया वहाँ पे। और कंचन से बहुत देर तक बात हुई, उसका बेटा बेटी जो है बहुत प्यारे हैं दोनों, और उसका बेटा मेरी वीडियो देखता है और उसको अच्छा लगता है कि जब मैं खाना बनाती हूँ, तो कहा कि आंटी आप जब खाना बनाती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से जब बच्चे आपसे कहें आके कि मैं आपको जानता हूँ, मेरे नाम से वो लोग जानते हैं मुझे, तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। और यही तो मेरी
बड़ी अचीवमेंट है कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। उसका बेटा बेटी जो था उन लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है और देखते हैं वो रेगुलर मेरे वीडियो, तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई उन लोगों से मिल के। तो अब मैं जा रही हूँ चेंज करने, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुके हैं और प्रसाद लेकर आई हूँ, प्रसाद खाऊँगी उसके बाद फिर बनाऊँगी डिनर। तो पहले चेंज कर लेती हूँ। और ये है प्रसाद जो कि मैं लेकर आई हूँ और अभी प्रसाद खाऊंगी। और यहाँ पे मेरे बच्चे बना रहे हैं आज का डिनर क्योंकि उन लोगों को नूडल्स खाना था। तो रिया बता रही है कि नूडल्स किस तरह से बनता है और रोहित सीख रहा है बनाना, तो रोहित बना रहा है और रिया उसको बता रही है कि किस तरह से बनाना है। और डिनर मैंने अभी कुछ नहीं बनाया क्योंकि रिया रोहित को नूडल्स खाने का मन हो रहा था, तो रिया रोहित दोनों मिलके नूडल्स बना रहे थे और थोड़ा सा चावल था दिन का, तो वो मैं अभी खाऊंगी डिनर में। ऐसे मैं चावल ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ रात में खाना, बट थोड़ा सा चावल था तो वो मैं अभी करूँगी डिनर। और तो बस वही डिनर करना है मुझे। और मैं डिनर में क्या खा रही हूँ आपको दिखाती हूँ। मैं डिनर में ये खा रही हूँ, चावल, थोड़ा सा करेल का सब्जी, ये है आलू पोस्तू और ये है पनीर की सब्जी। तो ये है मेरा आज का डिनर और मेरा डिनर कंप्लीट हो गया है और ज़्यादा बर्तन वगैरह भी नहीं था तो मैंने किचन क्लीन कर लिया फटाफट। और अब हो रही है सोने की तैयारी क्योंकि अभी रात के 12:15 बज रहे हैं। ज़्यादा काम नहीं था आज, डिनर वगैरह नहीं बनाना था कुछ खास, लेकिन फिर भी ऐसे ही हम लोग गपशप कर रहे थे तो बहुत लेट हो गया है। अभी 12:15 का टाइम हो रहा है और अभी हो रही है सोने की तैयारी क्योंकि अभी सो जाऊँगी, कल सुबह फिर रोहित का स्कूल है तो फिर सुबह उठना है और वही डेली का रूटीन, सुबह उठ के मुझे लंच बनाना है उसके लिए। और आज बहुत अच्छा रहा मेरा शाम क्योंकि मैं गई थी पूजा में। मैं पूजा पाठ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ में शामिल होना, पता नहीं क्यों बड़ा खुशी लगता है ये सब चीज़ देखने में। और कंचन के बच्चों से मिलके बहुत अच्छा रहा क्योंकि जब पिछले बार कंचन आई थी तो वो अकेले आई थी अपनी मम्मी के साथ मेरे घर मुझसे मिलने के लिए, उसके बच्चों से मैं आज पहली बार मिली तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बच्चे मेरे ब्लॉग्स देखते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। कंचन बता रही थी कि उसका बेटा 3 बजे से वेट कर रहा था मेरा और बार बार अपनी मम्मी से पूछ रहा था कि मोनी दीपा आंटी कब आएंगी। मुझे अच्छा लगता है कि बड़े लोगों से ज़्यादा मुझे बच्चे पसंद करते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि कंचन मेरी बचपन की फ्रेंड है और बहुत देर तक हम लोग गपशप किए तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग स्कूल के दिन याद कर रहे थे अपने, तो अच्छा लगता है जब स्कूल की फ्रेंड से मिली आप बहुत दिनों बाद। तो मेरी जो आज की शाम थी वो बहुत अच्छी भी थी और बस अभी जा रही हूँ सोने की तैयारी करूँगी। और एक कमेंट बहुत दिनों पहले आया था मेरे वीडियो पे गार्डनिंग से रिलेटेड, तो मैंने उसका जवाब नहीं दिया था तो मैं आज उसका जवाब देना चाहूँगी कि अभी मैं गार्डनिंग के रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी मेरा गार्डन जो है बहुत ज़्यादा झाड़ वाला हो गया है क्योंकि अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है झारखंड में, ऑलमोस्ट डेली बारिश हो रही है और अभी मैं गार्डन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा जो पेड़ पौधे हैं बड़े हो गए हैं तो मुझे थोड़ा कटिंग वटिंग करना है उसका, बट जब करूँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी तो गार्डन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना हो पा रहा क्योंकि अभी लगातार मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी और इसी वजह से वीडियो भी कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। और अभी जब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ तो मैं फिर भी अभी गार्डन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, थोड़ी और थोड़े दिन हो जाए जब बारिश थोड़ा सा कम हो जाएगी। सोच रही थी कि जब गार्डन की कटिंग वगैरह करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से गार्डन को मेंटेन कर रही हूँ और क्या क्या नए प्लांटेशन कर रही हूँ, वो सारा चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और एक कमेंट आया था कि आप इंडोर प्लांट में क्या करती हैं, कि आपका इंडोर प्लांट अच्छा रहता है, तो मैं इंडोर प्लांट ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, जस्ट मुझे मनी प्लांट बहुत अच्छा लगता है तो मैं घर में मनी प्लांट रखना पसंद करती हूँ। तो मनी प्लांट के अच्छे ग्रोथ के लिए आप मनी प्लांट को कोकोपीट में लगाइए। कोकोपीट जो होता है नारियल का बुरादा होता है, नारियल के छिलके का बुरादा, तो वो होता है कोकोपीट। और जब आप कोकोपीट पे किसी प्लांट को, इंडोर प्लांट को खासकर जब ग्रो करते हैं तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है और बहुत अच्छा ग्रीन रहता है प्लांट जो है,
जल्दी ख़राब नहीं होता। और मिट्टी से अच्छा है कि आप कोकोपीट में मनी प्लांट खासकर लगाइए तो बहुत अच्छा उसका ग्रोथ रहता है। तो बस वही है, मैं थोड़ी सी मिट्टी में थोड़ा सा कोकोपीट मिक्स करके मनी प्लांट लगाई हुई हूँ, तो इसलिए मेरा मनी प्लांट जो है वो अच्छा ग्रो करता है और ग्रीन रहता है, उसके पत्ते जल्दी येल्लो नहीं होते। तो यही है इंडोर प्लांट का, और मैं ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ लेकिन जितना मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो अभी इसीलिए मुझे ये बात कहना था आप लोगों से कि जिस भी फ्रेंड ने कमेंट करके पूछा था गार्डनिंग के बारे में, तो डियर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं गार्डन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और अभी रोहित का हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं इग्नोर कर रही हूँ गार्डन को। ठीक है, थोड़ी बारिश कम हो जाती है तो मैं गार्डनिंग का वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर भी करूंगी। तो बस इसी तरह से रहा मेरा आज का छोटा सा वीडियो, और आप सबको फिर से एक बार गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति पापा आप लोगों की सारी प्रॉब्लम दूर कर दे और आप लोगों के जीवन में खूब सारी खुशियाँ लेकर आए। जब मैं गणपति दर्शन के लिए जाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मेरे शहर में भी गणपति पंडाल बने हैं और मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँ। बस थोड़ी बारिश की प्रॉब्लम है, अगर बारिश नहीं होती है तो देखती हूँ, जाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस इसी तरह से रहा मेरा आज का छोटा सा वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का छोटा सा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरी मेहंदी कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि रिया ने बहुत मेहनत करके मेरे हाथों में ये डिज़ाइन बनाया है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।